किसान ज्यादातर पारंपरिक खेती में विश्वास रखते हैं, लेकिन बदलते वक्त और बाजार में विदेशी सब्जी और फलों की बदलती मांग को देख किसानों ने अब नई फसलों की खेती को अपनाना शुरू कर दिया है, जिसमें कुछ ऐसे फल भी पाए जाते हैं जिनकी मांग भारत में होने की वजह से उन्हें विदेश से आयात किया जाता है, और इन्हीं फसलों में से एक है कीवी। आपको बता दें, कीवी फल मूल रूप से चीन का फल है, जिसे चीनी करूदा भी कहा जाता है। यह फल आकार में छोटा और स्वाद में मीठा और तीखा होने के साथ बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यही कारण है यह फल कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। दरअसल भारत में कीवी ज्यादातर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल राज्य में उगाई जाती है। इसकी खेती में किसानों की मोटी कमाई भी हो रही है। पहले भारत में ये फ्रूट न्यूजीलैंड से मंगवाया जाता था, लेकिन अब भारतीय किसानों ने कीवी की खेती करना आरंभ कर दिया है, जिससे भारत को इस फ्रूट के लिए अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आइए जानते हैं कीवी की खेती से जुड़ी सारी जानकारी। कीवी फल को गर्म और ह्यूमिड वातावरण में उगाया जा सकता है। बता दें, कीवी की खेती के लिए पीली भूरी मिट्टी उचित मानी जाती है, जिसके लिए मिट्टी का पीएच मान 5 से 6 pH होना चाहिए। कीवी के पौधों को बीज या ब्रीज ग्राफ्टिंग द्वारा ट्री प्लांटिंग के लिए किया जा सकता है। इसकी ट्री प्लांटिंग आमतौर पर जनवरी के महीने में किया जाता है। आपको बता दें, इसके प्लांटिंग के लिए लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर और लाइन में पेड़ से पेड़ के बीच 6 मीटर की दूरी होना जरूरी है। कीवी फल की अच्छी वृद्धि के लिए हर साल 20 किलो खेत की खाद और 0.5 किलो NPK मिश्रण, जिसमें 15% नाइट्रोजन की मात्रा हो, और 5 साल के बाद हर साल 850 से 900 ग्राम नाइट्रोजन, 500 से 600 ग्राम फास्फोरस और 800 से 900 ग्राम पोटेशियम के रूप में खाद और NPK का समान मात्रा में करें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी सिंचाई की। कीवी की खेती की सिंचाई सितंबर से अक्टूबर के महीने में करनी चाहिए, और जब फल उगाने की प्रारंभिक अवस्था में हो तो पौधा और फलों के अच्छे विकास के लिए 10 से 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई करना फायदेमंद होता है। दरअसल कीवी के पौधे 4 से 5 साल बाद फल देने लगते हैं, लेकिन इसका व्यवस्थित उत्पादन 6 से 7 साल बाद शुरू होता है, जिसमें बड़े फलों को पहले काटा जाता है और छोटे फलों को लंबे समय तक बढ़ने दिया जाता है, और फिर कठोर फलों को मोटे कपड़े में लपेटकर बाजार में लगाया जाता है, जहां वे नरम हो जाते हैं और फिर कुछ समय बाद यानी 1 से 2 सप्ताह में ये खाने योग्य हो जाते हैं। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।